Hello everyone, I am Professor N.B. Kate, welcomes you all in the 25th lecture of Electrical Measurement subject. So my dear students, we have discussed the 2 watt meter method in the last lecture, right? So 2 watt meter measurement of power by 2 watt meter method in delta connection. For that we have derived the equation for total power, right? Then we have discussed about the merits and demerits of the power measurement using 2 watt meter method. Then we have discussed about the effect of power factor on reading of watt meter in 2 watt meter method, right? So for various power factors, what are the readings we are getting for the power measurement that we have discussed in the last lecture. Now in today's lecture we are going to discuss about the measurement of power by single phase watt meter method. तो यहाँ पे हमें एक ही single phase watt meter use करना है, ठीक है, power measure करने के लिए. तो ये watt meter का symbol है, ये यहाँ पे load connect किया हुआ है. यहाँ पे 3 phase supply देंगे अपन और single watt meter connect किया है, तो उस watt meter में आपके 2 coils रहेंगे, एक रहेगी pressure coil, दूसरी रहेगी करंट, ठीक है. देन ये तीनों फेज में से जो करंट फ्लो हो रहे हैं वो डिनोट किए हैं यहाँ पे I1, I2 एंड I3. अभी ये उसकी फेजर डायग्राम है, तो फेजर डायग्राम में देखो ये I1, ये I1 का फेजर है, ये I2 का फेजर है, ये I2 का फेजर है, ठीक है, और ये आपका I3 का फेजर है. तो इन तीनों में आपका एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री, I1, I2 एंड I3. देन यहाँ पे दिख रहा है आपको V1 एंड I1 में एंगल है आपका phi. वैसे सिमिलरली I2 एंड V2 में एंगल है phi एंड आपका I3 एंड V3 में एंगल है आपका phi, ठीक. यहाँ पे I1 लैगिंग कंडीशन में लिया है V1 से, सिमिलरली V3 से I3 लैगिंग कंडीशन में है और V2 से I2 लैगिंग कंडीशन में लिया है phi एंगल, ये ध्यान में रखो, ठीक है. देन यहाँ पे V3, ये आपका V3 के अपोजिट डायरेक्शन में -V3 का फेजर यहाँ पे डिनोट किया है, ठीक है. और जब हम V1 एंड -V3 का रिजल्टेंट लेते हैं तब मिलता है हमें ये V1 3 का फेजर, ठीक है, V1 3 का फेजर, ठीक है. जब हमें V1 एंड -V3 का रिजल्टेंट लेते हैं तब मिलता है हमें फेजर V1 3. वैसे डायग्राम आपको ध्यान में रखनी है इसकी, सिंगल फेज वाट मीटर मेथड. बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है आपके मेन एग्जाम में, ड्रॉ दी सर्किट फॉर दी पावर मेजरमेंट बाय सिंगल फेज वाट मीटर एंड ड्रॉ इट्स फेजर डायग्राम, ठीक है. तो ये आपको ये सर्किट डायग्राम निकालनी आनी चाहिए और ये आपको फेजर डायग्राम वहाँ पे निकलवाना चाहिए, ठीक है, समझ में आया. यहाँ पे आपको एक एंगल भी दिख रहा है, यहाँ पे V1 3 और I2 में एंगल कितना है आपका 90+5, ठीक है, क्योंकि ये एंगल कितना है आपका 30 है, ठीक है, 30 डिग्री. तो और ये आपका टोटल एंगल है आपका V1 एंड V2 में कितना एंगल है, 120. यानी जैसे I1, I2 और I3 में 120 एंगल है, वैसे आपका V1, V2 और V3 में भी एंगल कितना होगा, फेज शिफ्ट कितना होगा, 120 डिग्री, ठीक है. तो V1, V2 में एंगल है 120 और आपका ये एंगल जो है V1 और V1 3 में वो 30 डिग्री है, तो एंगल ये एंगल कितना बन जाएगा आपका 90+5, क्लियर है. तो ये ऐसे डायग्राम आपको ध्यान में. नाउ इसमें क्या पॉइंट दिए हैं, देखो पावर इज मेजर्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ वैट मीटर. पावर हम मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्या यूज करते हैं वहां पे, हम वैट मीटर, ठीक. पावर मेजर कर तो अपन इलेक्ट्रिक सर्किट मधली वैट मीटर च्या सहाय्याने, ठीक. देन सेकंड पॉइंट दिया है, अ सिंगल फेज वैट मीटर कन्सिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स. सिंगल फेज वैट मीटर मध्ये 2 कॉइल्स असतात माहितच आहे आपल्याला, एक आहे करंट कॉइल आणि दुसरी आहे प्रेशर कॉइल. सो दिस इज द करंट कॉइल विच इज हॅविंग लो रेजिस्टन्स अँड दिस इज द प्रेशर कॉइल विच इज हॅविंग हाय रेजिस्टन्स.
सो द करंट कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइन. करंट कॉइल कभी भी आपको लाइन के सीरीज में कनेक्ट करनी होती है एंड दस कैरीज द लाइन करंट. तो उसकी वजह से उसमें से लाइन करंट कैर किया जाता है. ठीक है, करंट कॉइल कधी कनेक्ट करताना सीरीज मध्ये करायची आहे लाईनच्या, आणि त्यामुळे करंट कॉइल मधून आपला लाईन करंट तिथं कॅरी केला जातो. देन द प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड इन पॅरलल विथ द लाईन. ठीक आहे, प्रेशर कॉइल जी आहे ती कधीही आपल्याला सप्लाय लाईनच्या पॅरलल मध्ये कनेक्ट करायची असते. ठीक आहे, देन द वॅट मीटर गिव्ज द पॉवर पर फेज. तेव्हा आपल्याला वॅट मीटरची जी व्हॅल्यू मिळते ती वॅट मीटर आपल्या तिथं पॉवर फेज ची व्हॅल्यू, पॉवर पर फेज ची व्हॅल्यू तिथं देतो. ठीक आहे, वॅट मीटर. सो हिअर अगेन वन डायग्राम इज शोन हिअर. सो दिस इज द थ्री फेज सप्लाय, 1, 2, 3 थ्री फेजेस आर देअर. दिस इज द पॉवर पी वन. हिअर वी आर मेजरिंग पॉवर पी वन बाय दिस वॅट मीटर डब्ल्यू वन. हिअर दिस प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस द लाईन एंड करंट कॉइल इज कनेक्टेड इन द लाइन. और यहाँ पे स्टार कनेक्शन दिखाया है. ठीक है, आई वन करंट फ्लो हो रहा है इसमें से, इसमें से आई थ्री करंट फ्लो हो रहा है और इसमें से आई टू करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो ये एक डायग्राम दिखाई है यहाँ पे. तो द वाट मीटर गिव्स द वैल्यू ऑफ पावर पर फेज. ये वाट मीटर क्या करेगा यहाँ पे आपकी पावर पर फेज वैल्यू वहाँ पे आपने को देगा. तो देयरफॉर टोटल पावर, यहाँ पे टोटल पावर कितनी मिलेगा अपने को, 3 into power per phase. So here 3 into watt meter reading लिख सकते हैं आप, क्योंकि power phase, power per phase की value कौन देता है हमें, watt meter. So the one watt meter method is used for measurement in the three phase star connected balanced load. ये point important है यहाँ पे कि जो one watt meter method है वो हम power measurement in three phase स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड के लिए ही यूज करते हैं. ठीक है जी, वन वॅट मीटर मेथड आहे ती अपन पॉवर मेजरमेंट जे आहे थ्री फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड मधलीच पॉवर मेजर करण्यासाठी आपण वॅट मीटर, वन वॅट मीटर मेथड यूज करतो. क्लियर आहे. नाउ विल सी सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दिस वन वॅट मीटर मेथड. राइट, सो फर्स्ट लिमिटेशन इज दॅट यूज फॉर ओनली थ्री फेज बैलेंस लोड एंड नॉट फॉर अनबैलेंस लोड. ये जो वन वैट मीटर मेथड है ये हम यूज करते हैं सिर्फ थ्री फेज बैलेंस लोड के लिए, अनबैलेंस लोड के लिए ये यूज नहीं होती है. ठीक है, समझ लो पहला लिमिटेशन का है कि थ्री फेज बैलेंस लोड साठी फक्त ही वन वैट मीटर मेथड यूज होते हैं, अनबैलेंस लोड साठी होत नहीं. सेकंड है यहाँ पे स्टार पॉइंट मस्ट बी एक्सेसिबल फॉर कनेक्टिंग द प्रेशर कॉइल. स्टार पॉइंट आपका एक्सेसिबल होना चाहिए वहां की प्रेशर कॉइल कनेक्ट करने के लिए. ठीक है, सेकंड लिमिटेशन आहे स्टार पॉइंट जे आहे आपला तो ऍक्सेसिबल असायला पाहिजे इथल्या प्रेशर कॉइल कनेक्ट करण्यासाठी. हा सेकंड लिमिटेशन आहे. थर्ड लिमिटेशन है डेल्टा कनेक्शन मस्ट बी ओपन टू कनेक्ट द करंट कॉइल. डेल्टा कनेक्शन आपको यहाँ पे ओपन करना होता है करंट कॉइल को कनेक्ट करने के लिए. ठीक है, डेल्टा कनेक्शन आपल्याला ओपन करायचं आहे इथं करंट कॉइलला कनेक्ट करण्यासाठी. हेच त्याचं तिसरं लिमिटेशन. Now we'll see some of the disadvantages of this one watt meter method. So first one is the only used for balance load. हमने ऊपर भी बोला है कि ये सिर्फ बैलेंस लोड के लिए ही यूज होती है. ठीक है, सेकंड डिसएडवांटेज है इट कैनॉट बी यूज फॉर अनबैलेंस लोड. ये अनबैलेंस लोड के लिए यूज नहीं होती है वैट मीटर, वन वैट मीटर मेथड. देन थर्ड है इट इज यूज फॉर स्टार कनेक्शन. देन न्यूट्रल पॉइंट वॉज बी अवेलेबल. ये स्टार कनेक्शन के लिए ही यूज होती है और वहां पे न्यूट्रल पॉइंट आपका अवेलेबल होना चाहिए. देन फोर्थ है डेल्टा कनेक्शन मस्ट बी ओपन टू कनेक्ट दी करंट. डेल्टा कनेक्शन यहाँ पे ओपन करना है आपको करंट कॉइल कनेक्ट करना. ठीक है, ये उसके डिसएडवांटेजेस. क्लियर है, इसमें कुछ डाउट वन वैट मीटर मेथड में. नेक्स्ट पॉइंट है अपना मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर. ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर. ठीक है, इधर डेफिनेशन दिया है यहाँ पे. द मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर मेजर्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर रिक्वायर्ड बाय द कंज्यूमर एट द पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम. मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर मीन्स क्या होता है कि मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर मेजर करता है वहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर
जो रिक्वायर होती है कंज्यूमर्स को एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर इंटरवल जो होता है टाइम का, उस वक्त कंज्यूमर को जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर रिक्वायर होती है वो मेजर करने के लिए हम मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, समझ लो। मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर क्या करता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर जी रिक्वायर असते कंज्यूमर्सला एका पर्टिक्युलर टाइमच्या इंटरवलला तिला मेजर करण्यासाठी आपण मॅक्झिमम डिमांड इंडिकेटर यूज केलेला। ठीक आहे, मग मॅक्झिमम डिमांड कधी मिळेल आपल्याला, कधी रिक्वायर असते कंझ्युमर साठी आपल्याला माहित आहे, जो सकाळचा पिरियड असतो, ठीक आहे, आणि जो संध्याकाळचा पिरियड असतो आपला, ठीक आहे, पीक पिरियड ज्याला म्हणतो आपण, 6 ते संध्याकाळी 10 वाजेपर्यंत जास्त इलेक्ट्रिसिटी आपण यूज करतो घरामध्ये, त्यामुळं त्यावेळेस मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ पॉवर रिक्वायर असते कंझ्युमर साठी, राईट, 6 ते संध्याकाळी 10। ठीक आहे, देन उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये आपल्याला माहितच आहे समर सीजन्स में क्या होता है, अपने को फॅन्स लगते हैं, एसी लगते हैं समर सीजन में, तो उस वक्त हमें ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर रिक्वायर होता है कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है, वो आपका पीक पीरियड होता है। ठीक है, तो उस वक्त जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर है कंज्यूमर को रिक्वायर, उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे हम मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट यह है, द इंडिकेटर इज डिजाइन इन सच अ वे दैट इन सच अ वे सो दैट दे मेजर द बेस एंड पीक लोड। यहाँ पे दिया है, देखो, द इंडिकेटर इज डिजाइन इन सच अ वे सो दैट दे मेजर द बेस एंड पीक लोड। अभी बेस एंड पीक लोड क्या है, बेस लोड यानी आपका जब इलेक्ट्रिसिटी अपन ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल है अपना उसको बोलते हैं बेस बेस लोड, एंड पीक लोड यानी जब हम इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज करते हैं घर में उसको बोलते हैं पीक लोड। ठीक है, अभी बेस लोड कब रहेगा, सुबह, जब सुबह सुबह हमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती है, ठीक है, सुबह सपोज 6 से 10 में 10 के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते हैं तो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेस लोड। और पीक लोड कौन सा रहेगा आपका, शाम में 6 से 10 बजे तक, ठीक, तो उसको बोलते हैं पीक लोड। क्लियर है, सो इंडिकेटर इज डिजाइन इन सच ए वे सो दैट दे मेजर द बेस एंड पीक लोड। इंडिकेटर ऐसे डिजाइन किया होता है कि वो क्या करता है आपका बेस एंड पीक लोड को वहां पे मेजर करता है, बट अनेबल टू मेजर द सडन शॉर्ट सर्किट, वो सडन शॉर्ट सर्किट को मेजर नहीं कर पाता है और स्टार्टिंग हाई करंट ऑफ द मोटर, या फिर आपका जो स्टार्टिंग हाई करंट होता है मोटर का उसको भी वो मेजर नहीं कर पाता। ठीक है, समझ में आए। सेकंड पॉइंट, इंडिकेटर अपन अशा प्रकारे डिझाईन केलेलं असतं की त्यामध्ये ते काय करतं, बेस आणि पीक लोडला मेजर करतं, ठीक आहे, पण ते तिथल्या सडन शॉर्ट सर्किटला मेजर करू शकत नाही, किंवा मोटरचा जो स्टार्टिंग करंट, हाय स्टार्टिंग करंट असतो त्याला सुद्धा हे इंडिकेटर ते मेजर करू शकत नाही, स्टार्टिंग हाय करंट मेजर करू शकत नाही मोटर। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट यह है, इट इज डिजाइन फॉर रिकॉर्डिंग द पावर ओवर पर्टिकुलर पीरियड्स। ये डिजाइन किया होता है एक पावर रिकॉर्ड करने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड्स में। ठीक है, ये इट इज डिजाइन फॉर रिकॉर्डिंग द पावर ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड्स। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है, द मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। इसके 4 टाइप्स है, उसमें फर्स्ट है रिकॉर्डिंग डिमांड इंडिकेटर, सेकंड है एवरेज डिमांड इंडिकेटर, थर्ड है थर्मल टाइप मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, फोर्थ टाइप है डिजिटल मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। वैसे 4 टाइप्स के यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर की टाइप्स। ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर का। तो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर हैज 5 मेन पार्ट, इसमें 5 मेन पार्ट होते हैं। एक होता है डायल कनेक्टेड टू द मूविंग सिस्टम, सेकंड होता है पॉइंटर आपका, थर्ड होता है रीसेट डिवाइस, फोर्थ होता है आपका फ्रैक्शन डिवाइस, फिफ्थ होता है आपका इंडिकेटिंग पी। ठीक है, तो ये 5 मेन पार्ट्स होते हैं आपके मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। अभी उसमें का फर्स्ट टाइप देखेंगे अपन, एवरेज डिमांड इंडिकेटर। ठीक है, सो द एवरेज डिमांड इंडिकेटर इज इनबिल्ट इनटू द एनर्जी मीटर। एवरेज डिमांड इंडिकेटर ये क्या करते हैं, अपन इनबिल्ट करते हैं एनर्जी मीटर में, अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होता है उसको हम एनर्जी मीटर बोलते हैं। ठीक है,
उस पे हम एनर्जी मेजर करते हैं, राइट। ये ध्यान में रखो, जो एनर्जी मीटर है अपने घर में का, हम उस पे एनर्जी मेजर करते हैं, पावर नहीं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा आंसर बोलते हैं कि हम जो एनर्जी मीटर है उस पे हम पावर मेजर करते हैं, ठीक है। पावर मेजर नहीं होती है वहां पे एनर्जी मेजर होती है, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पावर एंड एनर्जी, ठीक है। पावर हमें मालूम है पावर का डेफिनेशन, पावर इज दी पावर इज डिफाइन एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट बोलते हैं, ठीक है। और एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर इंटू टाइम बोलते हैं, ई इज इक्वल टू पी इंटू टी, ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला। और पावर का फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू वी आई, वी आर एम एस इंटू आई आर एम, या भी पावर के टाइप्स हमने ऑलरेडी देखे हैं, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। सो हियर एवरेज डिमांड इंडिकेटर आपका इनबिल्ट होता है एनर्जी मीटर में, राइट। देन द एनर्जी मीटर एंड एवरेज डिमांड इंडिकेटर टुगेदर मेजर्स द टोटल पावर कंज्यूम्स, ठीक है। एनर्जी मीटर और आपका एवरेज डिमांड इंडिकेटर, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, वहाँ की टोटल पावर जो कंज्यूम हो रही है उसको मेजर करते हैं। एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक पावर एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, और वो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है स्पेसिफिक पावर की एक पर्टिकुलर टाइम के इंटरवल की, उसको भी वो मेजर करते हैं दोनों, ठीक है। तो मतलब ये फर्स्ट हाफ फर्स्ट पॉइंट दिलेला आहे, तर एवरेज डिमांड इंडिकेटर हे इनबिल्ट असतं एनर्जी मीटर मध्ये, आणि एनर्जी मीटर आणि एवरेज डिमांड इंडिकेटर दोघं मिळून तिथे टोटल पॉवर जी कंझ्युम होती आहे ती, आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू जी आहे स्पेसिफिक पॉवरची एका पर्टिक्युलर टाइम इंटरवलला, ती दोन्ही मेजर करतात हे दोघं, एनर्जी मीटर आणि एवरेज डिमांड इंडिकेटर। देन नेक्स्ट पॉइंट है, ये एवरेज डिमांड इंडिकेटर कंसिस्ट द कॉम्प्लेक्स स्पीड डायल मेकॅनिझम, जे एवरेज डिमांड इंडिकेटर आहे त्याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्स स्पीड डायल मेकॅनिझम दिलेलं असतं, ठीक आहे। जो एवरेज डिमांड इंडिकेटर है उसमें क्या होता है अपना कॉम्प्लेक्स स्पीड डायल मेकॅनिझम होता है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही है, ये है आपका मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर की डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया है देखो, ये है आपकी पिन, ये है आपका पॉइंटर, ठीक है। यहाँ पे बेल एंड बेल क्रैंक मैकेनिज्म है, ठीक है। यहाँ पे पिनियन है आपका, ये है आपकी स्प्रिंग, ठीक है, और ये है आपकी कैम, ठीक है, और ये आपका रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये सिंपल ऐसे डायग्राम है आपके मर्ज प्राइस मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, क्लियर है। नाउ द पिन ड्राइव मूव द डायल फॉरवर्ड फॉर स्मॉल ड्यूरेशन, जो पिन ड्राइव है इसमें वो क्या करती है, डायल को मूव करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, उससे हम वहाँ पे हाफ एन आवर लेंगे, ठीक है। तो पिन ड्राइव क्या करेगी, आपकी डायल को मूव करेगी फॉरवर्ड में स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, सपोज हम कंसिडर करेंगे हाफ एन आवर के लिए, ठीक। देन द टोटल पावर कंज्यूम एट दैट इंटरवल इज शोन ऑन द डायल, तब वहाँ पे जो टोटल पावर कंज्यूम हो रही है वो इंटरवल पे वो शोन होगी आपके डायल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म होगा जिसको हम डायल बोलेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, द इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट द कैम विच इज कंट्रोल बाय द टाइमिंग गियर्स, इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे कैम दिया है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये कैम है। तो द इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट द कैम विच कंट्रोल बाय द टाइमिंग गियर्स, वो टाइमिंग गियर से कंट्रोल किया जाता है इस कैम को, ठीक है। देन द कैम ब्रिंग्स बैक द पॉइंटर एट जीरो पोजिशन, ये कैम क्या करेगा आपका, ये पॉइंटर को क्या करेगा आपके जीरो पोजिशन पे ब्रिंग बैक करेगा, ठीक है। कैम ब्रिंग बैक द पॉइंटर एट अ जीरो पोजिशन, देन पॉइंटर रिकॉर्ड्स द टोटल पावर कंज्यूम बाय द लोड, पॉइंटर क्या करेगा आपका जो भी टोटल पावर कंज्यूम हो रही है लोड से उसको रिकॉर्ड करेगा एट दैट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे जो लोड पावर कंज्यूम कर रहा है टोटल पावर कंज्यूम कर रहा है उसको ये पॉइंटर अपना रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट ये है, फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर के लिए द पिन अगेन मूव फॉरवर्ड, आपकी पिन फिर से एक बार मूव की जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट द पॉइंटर विल मूव फॉरवर्ड ओनली, पॉइंटर क्या होगा आपका फॉरवर्ड में ही मूव होगा, ठीक है। देन द टोटल पावर कंज्यूम बाय द लोड इज मोर देन द प्रीवियस पीरियड,
जब आपकी टोटल पावर कंज्यूम की जो की है लोड में वो अगर ज्यादा है प्रीवियस पीरियड से, तो पॉइंटर आपका क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका मूव होगा। ठीक है, समझ लिया पॉइंट। ये तो क्या क्या सांगितलं, थर्ड, ये फर्स्ट, ये थर्ड पॉइंट क्या सांगितलं मी, पिन ड्राइव मूव द डायल। पिन ड्राइव काय करतं, इथल्या डायलला मूव करतो फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये स्मॉल ड्युरेशन साठी। सपोज तो स्मॉल ड्युरेशन आपण कन्सिडर केला हाफ एन आवरचा, अर्ध्या घंट्याचा। देन द टोटल पॉवर कंझ्युम ऍट दॅट इंटरवल इज शोन ऑन द डायल। जी टोटल पॉवर कंझ्युम होते त्या इंटरवलला, ती या डायल वरती शोन केली जाते इथं। ठीक, आणि या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये एक कॅम असतं जे कंट्रोल केलं जातं त्या टायमिंग गिअरच्या टाइमला। ठीक आहे, नंतर कॅम काय करतं, तिथल्या पॉइंटरला झिरो पोझिशनला ब्रिंग बॅक करतं, आणि मग पॉइंटर काय करतो, जी टोटल पॉवर कंझ्युम होती आहे लोडकडनं त्या पर्टिक्युलर इंटरवल ऑफ टाइमला, तो पॉइंटर मग तिथली टोटल पॉवर कंझ्युम जे करतोय लोड त्याला रेकॉर्ड करतो। ठीक आहे, त्या पर्टिक्युलर इंटरवल ऑफ टाइमला। ठीक आहे, आणि मग नेक्स्ट हाफ एन आवर मध्ये परत पिन काय होते, आपली अगेन मूव होते फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये, पण त्यावेळेस पॉइंटर हा परत मूव होतो फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्येच ओनली जेव्हा ही टोटल पॉवर कंझ्युम केलेली असते लोड ना, ही जास्त असते प्रीवियस पिरियड पेक्षा। ठीक आहे, तर असे हे पॉईंट दिलेले त्याच्या एक्सप्लेनेशन मध्ये। नाऊ दी फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट दी ऍव्हरेज मॅक्सिमम डिमांड। आता इथं फॉर्म्युला दिलेले त्यांनी ऍव्हरेज मॅक्सिमम डिमांड कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, त्याचा फॉर्म्युला असा आहे पहा, ऍव्हरेज मॅक्सिमम डिमांड इन किलो वॅट इज इक्वल टू मॅक्सिमम एनर्जी रेकॉर्डेड ओव्हर अ टाइम इन अ इंटरवल के डब्ल्यू एच किलो वॅट आवर। ठीक, मॅक्सिमम एनर्जी रेकॉर्डेड ओव्हर अ टाइम इन इंटरवल के डब्ल्यू एच डिवायडेड बाय टाइम इंटरवल इन आवर। हा फॉर्म्युला आहे ऍव्हरेज मॅक्सिमम डिमांड कॅल्क्युलेट करण्यात। ठीक आहे, नाऊ द मॅक्सिमम डिमांड मीटर कॅन मेजर द पॉवर रिगार्डिंग के व्ही ए आर एच और के व्ही एच। ठीक आहे, म्हणजे काय, मॅक्सिमम डिमांड मीटर हे मेजर करत आहे पॉवर रिगार्डिंग के व्ही ए आर एच। ठीक आहे, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव आवर। ठीक आहे, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव आवर के व्ही ए आर एच और के व्ही ए एच मीन्स किलो वोल्ट एम्पियर आवर। ठीक आहे, तर हे मॅक्झिमम डिमांड डिमांड मीटर काय करतो, पॉवर मेजर करतो रिगार्डिंग धिस के व्ही ए आर एच और के व्ही एच। सो धिस कॅन बी डन बाय ॲडिंग द सुटेबल मीटर विच विल कॅल्क्युलेट सच क्वांटिटी। आणि हे आपण तिथं एखादा ॲडी सुटेबल मीटर ॲड करून तिथली तिथल्या अशा क्वांटिटीज तिथं आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो। ठीक आहे, याचे काही ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस सुद्धा आहेत ऍव्हरेज डिमांड इंडिकेटरचे, म्हणजेच मॅक्झिमम डिमांड इंडिकेटरचे। त्यामध्ये पहिला आहे की ऍव्हरेज डिमांड इंडिकेटर हॅज हाय ऍक्युरेसी, याची ऍक्युरेसी हाय असते। देन द इन्स्ट्रुमेंट हॅज युनिफॉर्म मेजरिंग स्केल, याची युनिफॉर्म मेजरिंग स्केल असते। हे दोन त्याचे ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस आहेत। द कॉस्ट ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट इज व्हेरी हाय, कॉस्ट ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट ही अतिशय हाय असते, आणि देअर कन्स्ट्रक्शन इज व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड, त्याचं कन्स्ट्रक्शन अतिशय कॉम्प्लिकेटेड असतं। ठीक आहे, तर हे आहे त्याचे डिसअडवांटेजेस। क्लिअर आहे, समज मी आहे इसमें कुछ डाऊट, मॅक्झिमम डिमांड इंडिकेटर में कुछ डाऊट। मॅक्झिमम डिमांड इंडिकेटर में हमने ॲव्हरेज डिमांड इंडिकेटर ये पॉइंट देखा आहे। ठीक आहे, इसमें कुछ डाऊट है आपको तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते। ठीक आहे, ओके, वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फेज सिक्वेंस इंडिकेटर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।